मैं रफ़ी सुलेमानी आप तमाम साथियों का हमारे बैंजो गुरु चैनल में स्वागत है। आज का लेसन है तालदीप चंदी का गीत। हमारे भारत में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये त्यौहार जो है छठ पूजा ख़ास तौर से बिहार यूपी झारखंड में इसको लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आज सीखेंगे छठ गीत नोटेशन के साथ, बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताऊंगा और इस ट्रिक को अगर आप देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो दो चार बार में आप इस गीत को बजा सकते हैं, कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गीत के बोल हैं, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। तो इसको मैं आपको जी शार्प स्केल से हमने इसको मिलाया है। ये देखिए हमारा सा जो है पंचम को हमने सा बनाया है, बटन नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7 इसको हमने सा बनाया है। और ये आपका बिलावल ठाट से इसको लिया गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे, कांच यही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। ये इतना प्यारा धुन है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो आप भी चलिए इसको सीखिए नोटेशन के साथ। इसमें नोटेशन लग रहा है, कांच ही बांस के बहंगिया सा रे गा सा सा रे गर ऐसा निधा। बहुत ही आसान ट्रिक। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। तो इसका नोटेशन है, सा रे गा सा सा रे गर सा नीधा कांच ही बांस के बहंगिया,
सा रे गा सा सा रे गा रे सा नी धा। ये क्या निकला? कांचे ही बांस के बहंगिया। अब चलते हैं। बहंगी लचे कत जाए, इसमें क्या लगना है? सा सानी धा पा धा सा सा सा। अब इसके आगे जो लाइन आता है वो है बनी ना बलम जी का हरवा। इसका भी जो नोटेशन है आपका सेम टू सेम पहले जो हमने बताया है कांच ही बांस के बहंगिया, इसका नोटेशन आपको इसमें बजेगा सेम टू सेम बनी ना बलम जी का हरवा। सा रे गा सा सा रे गा रे सा नी धा। दौरा घाटे पहुंचाए, इसका भी नोटेशन सेम टू सेम है। उम्मीद है कि आप इसे को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं म्यूज़िक की तरफ। इसमें म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा बजता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। म्यूज़िक का बोल है गा माधा पा धा पा मगा रे। गा माधा पा धा पा मगा रे। इसके बाद रे 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 मा पा गा रे सा रे 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 मा पा गा रे सा। इसमें दोनों रे लगे हैं, खूबसूरती के लिए कोमल रे को लगाया गया है। कोमल रे पे आपको ज़्यादा ठहरना नहीं है, ये खूबसूरती के लिए लगाया गया है। एक बार और ध्यान से देखिए गा माधा पा धा पा मगा रे। इसको बजाने के बाद इसको आपको बजाना है दो बार। इसके बाद आपको बेस तार से बजाना है। क्या बजाना है? पा 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 धा धा रे रे सा सा धा धा पा 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 धा धा रे रे सा। ये जो है आपको बेस तार से बजाना है और वो भी दो बार बजाना है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नोटेशन को समझ गए होंगे। जहाँ पे दिक्कत जाए वीडियो को आप दोबारा चालू कर लीजिए, दो बार तीन बार चार बार। अगर आप इसको बार बार देखेंगे
और रियाज करेंगे, बहुत जल्दी आपको ये गाना आपका तैयार हो जाएगा। और हमने आपकी आसानी के लिए इसको लिख भी दिया है कागज़ में, छठ गीत ताल दीप चंदी ठाट बिलावल, कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। इसका नोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सा रे गा सा रे गा रे सा नी धा सा नी धा पा धा सा। तो हमने आपको अगले वीडियो में भी बताया है कि जहाँ जहाँ स्वर पे नीचे निशान जो पड़े रहेंगे तो ये आपका मंद्र सप्तक का स्वर होगा। हमने आपकी आसानी के लिए इसको लिख दिया कागज़ में, आप इसको देख देख के बजाइए। मुखड़ा अंतरा, अंतरा मुखड़ा दोनों सेम है, हमने म्यूज़िक का ही पाठ यहाँ लिख दिया है। जहाँ जहाँ स्वर के नीचे में जो निशान पड़े हैं वो मंद्र सप्तक का स्वर है, तो इसलिए आप इसको देख देख के बजाइए। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, अगर आप बैंजो सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है, लाइक करने से हम लोगों का हौसला जो है बुलंद होता है। और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।